SGN News, खुले की बात आपके साथ। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा किए गए ऐलान 72,000 रुपए प्रतिवर्ष देने की योजना पर देश भर में कांग्रेस ने आयोजित की बैठक। इसी कड़ी में पूर्णा जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने आयोजित की प्रेस वार्ता। प्रेस वार्ता के माध्यम से राहुल गांधी द्वारा किए गए इस ऐलान के बारे में दी विस्तृत जानकारी। साथ ही मोदी सरकार द्वारा किए गए सारे वादे को झूठा करार दिया गया और पार्टी को जुमलेबाज भी कहा। पेश है प्रेस वार्ता के मुख्य अंश। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री राहुल गांधी जी के द्वारा ये विगत दिनों में ये घोषणा की गई है कि न्यूनतम आय योजना कार्यक्रम लागू की जाएगी। जब हमारी केंद्र में सरकार बनेगी तो 25 करोड़ लोगों को फायदा होगा, खास करके जो गरीबी से जूझ रहे हैं। विगत सरकार जो केंद्र में है वो कोई लाभ पहुंचा नहीं रहे हैं, इसीलिए महिलाओं के नाम पे खाता खुलेगा और उनके खाते में 72,000 सालाना मिलेगा। आप लोग जानते हैं कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने अभी तक उन्होंने किसानों को, मजदूरों को, सभी तबके लोगों को उन्होंने ठगा है, वादा बहुत सारे किए 2014 में, लेकिन उनकी सरकार 5 साल चली, कोई भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। कांग्रेस की जो भी योजना थी पहले की, उसी को उन्होंने नाम बदलकर उन्होंने लागू किया, लेकिन ज़मीन पर अभी भी कुछ दिखाई नहीं पड़ता। और ये राहुल गांधी जी ने, जैसे हमारे 3 राज्य में जो कांग्रेस की सरकार बनी, उन्होंने कहा था कि किसानों का ऋण माफ़ करेंगे और 3 दिन के अंदर तीनों राज्य में किसान का ऋण माफ़ हुआ। उसी तरह से हमारे माननीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने ऐतिहासिक कदम उन्होंने ये उठाया है कि हमारी सरकार बनेगी। जैसे ही सरकार बनेगी हमारी केंद्र में, वैसे ही ये हम लागू करेंगे और किसानों के ऋण को भी माफ़ किया जाएगा।